तो Redmi Note 8 Pro में आ चुका Android 10 का अपडेट MIUI 11.0.2.0 का, जिसमें आपको 27 से भी ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और सब कुछ आपको बताऊंगा और कोई भी पुराने फीचर्स नहीं दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो सबसे पहले तो आपको फरवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा और अप्रैल शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा पुराना सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं और इसमें जो भी स्टॉक एंड्रॉइड का पॉपअप वगैरह आते हैं उसमें आपको नया यूआई देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको परमिशंस के लिए पॉपअप आता है, वो अब नए स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा और इस तरह से आपको परमिशंस के नए स्टाइल में यूआई देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो फुल स्क्रीन में इंस्टॉल नहीं होगा, वो एक छोटे से पॉपअप में इंस्टॉल होगा जो कि काफ़ी दिखने में यूनिक लगता है। और एंड्रॉइड 10 जब लॉन्च हुआ था उसका हाइलाइटेड फीचर यही था कि इसमें आपको सिक्योर परमिशन का जो था वो काफ़ी अच्छे से आपको परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिलता था। जैसे कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन को परमिशन देनी थी लोकेशन की, तो ये पूछा था कि लोकेशन की जो परमिशन है वो तभी इसको अलाउ करी जाए जब हम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं या फिर तभी भी अलाउ करें कि जब ये हम इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से परमिशंस को आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके मैं आगे भी आपको परमिशन से रिलेटेड फीचर्स बताने वाला हूँ। और गैलरी में आपको नए फीचर्स के बारे में बात बताऊं तो यहाँ पर आपको ट्रैश बिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले ये आपको जो ट्रैश बिन था ये आपका ऑनलाइन था, इसके जो इसका जो आपका मी अकाउंट था उसमें जाकर ये सेव होते थे और इसके आपको सिंक करना पड़ता था, मतलब डेटा का यूज़ करना पड़ता था और डेटा वेस्ट होता था। लेकिन अभी ऑफलाइन आपका ट्रैश बिन है, मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन रहता है ऐसे आपको गैलरी का रिसाइकल बिन आ चुका है, जो कि आप लास्ट 30 डेज की फाइल्स को जो है रिकवर कर सकते हैं, फाइल्स नहीं फोटोज और वीडियोज़ को रिकवर कर सकते हैं और यहाँ पर आप इनको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं और इस तरह से एक्सटेंड करके आप इसको ऑनलाइन वाला भी देख सकते हैं, सभी को क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पर अब आपकी वीडियो जो है वो यहीं पर प्ले होगी। पहले आपका मी प्लेयर में अलग जाता था, लेकिन ये कुछ इस तरह से आपकी प्ले होगी और इस तरह से ये चलती है। ये आपको Redmi Note 7 Pro में पहले ही देखने को मिल चुका था लगभग 2-3 महीने पहले, लेकिन इसमें अब जाकर ये देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता है चाइना में आपको डार्क मोड में ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लोबल डार्क मोड तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर Android 10 होने की वजह से इसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशन में Android 10 होने की वजह से आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन आपको डार्क मोड सपोर्ट करती है, अब उसमें मैनुअली ऑन नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अपने स्टेटस बार से डार्क मोड ऑन करा है, अब जो जो एप्लीकेशन में डार्क मोड ऑन करने का ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली डार्क मोड पर चली जाएगी। जैसे कि YouTube और WhatsApp हमारा डार्क मोड सपोर्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली डार्क मोड पर चला जाएगा, चाहे आपने उसको डिफॉल्ट पर सेट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली डार्क पर चला जाएगा। अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अभी ये मेरा वाइट पर है, तो मैं जैसे कि डार्क मोड इसका ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारी YouTube भी डार्क मोड पर चली जाएगी। अभी ये थोड़ी देर बाद जा रहा है, जैसे कि मैं दिखा दूँ ये अभी डार्क मोड पर जा चुका है, ये इस तरह से डार्क मोड पर स्विच हो जाएगा और ऐसे ही आपका WhatsApp भी डार्क मोड पर स्विच हो जाएगा। और जैसे कि इसमें आपको व्हाट्स न्यू में नेटफ्लिक्स में HD का सपोर्ट दिखा रहा है, तो बीच में इसमें HD में नेटफ्लिक्स में सपोर्ट नहीं करता था और Amazon प्राइम में भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैं यहाँ पर टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखा रहा है नेटफ्लिक्स HD में दिखेगा, तो आप HD में देख सकते हैं वेब सीरीज को और मूवीज़ को जो भी देख। और एफ वॉल्ट में म्यूजिक का भी कार्ड ऐड करा गया है, या तो ये है डेली ट्यून्स या फिर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है लिसन। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली म्यूजिक प्लेयर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कौन सा नया है मुझे नहीं पता है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो का भी एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जिसके बाद आपको आपका जो गूगल मैप है और जितने भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है उसको कंपेनियन मिल जाएगा, जैसे कि गूगल असिस्टेंट वगैरह, और उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं, यहाँ अगर आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर जाएंगे यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिमेंबर सिम प्रेफरेंसेस। तो इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपका कोई एक नंबर है, अगर आपका सिम 1 है जिससे आप किसी पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस नंबर को कॉल करेंगे उसी नंबर से कॉल लगेगी जिससे आप हर बार कॉल करते हैं। तो अगर आपने एक नंबर किसी स्पेशल के लिए सेव कर रखा है तो हर बार उसी नंबर को उसी सिम से कॉल लगेगी। आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। यहाँ अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्हेन डिवाइस इज इन VR, तो VR में आपको कुछ एजेस वगैरह जो ब्लर से दिखते हैं और फ्लिकर्स भी दिखते हैं, तो उसको रिड्यूस करने का, ये मैंने टेस्ट नहीं करा है लेकिन फिर भी आप यूज़, तो फिलहाल VR नहीं करते, मैं भटक रहा हूँ। अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑडियो बैलेंस। तो यहाँ पर आप लेफ्ट राइट में स्विच कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरफोन में और राइट ईयरफोन में कितनी साउंड रखनी है। तो अगर आपकी लेफ्ट राइट ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा ही आवाज़ निकालता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं
और बस यही फीचर है। और यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। तो इसमें अगर आप इसको ऑन कर देंगे, जैसे आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और उसको कान से हटाते हैं, तो ये डायरेक्टली स्पीकर पर हो जाएगा। तो भाई इसको ज़्यादा रिस्क मत लेना अगर आप पर्सनल कॉल कर रहे हैं, तो इसको ऑफ ही रख देना। और अगर आप सेटिंग्स के सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड लोकेशन। तो प्राइवेसी में आपको ये प्राइवेसी के जितने भी ऑप्शंस थे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और लोकेशन जो है ये वही लोकेशन है जो आपको अंदर एडिशनल सेटिंग्स में देखने को मिलता है, वो यहाँ पर बाहर दे दिया गया है, क्योंकि एंड्रॉइड क्यू में भाई लोकेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है, तो इसलिए इन्होंने बाहर ही डाल दिया इस फीचर को। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको पता है एंड्रॉइड 10 में होने के बाद आपको सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से अपडेट हो जाता है, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी स्टेटस में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये हमारे डिवाइस के लिए अप टू डेट बता रहा है, तो यहाँ से आप सिक्योरिटी पैच लेवल के अपडेट्स भी शायद आपको फीचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में अभी भी आपको फिंगरप्रिंट शटर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर में मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर नए फीचर्स के बारे में बात करूँ, जो नए ऑप्शंस ऐड करे गए हैं वो यहाँ पर प्रो मोड्स में दिखाता हूँ। तो अगर आप प्रो मोड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नया इन्फॉर्मेशन का टैब देखने को मिलेगा। अगर आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रो फीचर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, किससे क्या होने वाला है आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी चेंजेस की बात करूँ, अब यहाँ पर आपको एक्सपोजर एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले आपको सिर्फ ISO एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अब आप इसका एक्सपोजर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लेंस स्विच करने का जो UI था वो भी चेंज हो चुका है। पहले आप यहाँ पर क्लिक करते थे तो आपका लेंस चेंज हो जाता था, लेकिन अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मैक्रो करना है, अल्ट्रा वाइड करना है या फिर वाइड करना है। और यहाँ पर सब सेटिंग्स को रिस्टोर करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये है। और यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सभी पैरामीटर्स को आपको डिफ़ॉल्ट पर सेट करना है या फिर नहीं, उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 64 मेगापिक्सल पर अगर आप फोटो कैप्चर करेंगे, उसकी स्पीड भी मुझे काफ़ी फास्ट लग रही है, जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस होता था वो भी मुझे दिखाई नहीं, प्रोसेस होता भी है तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता होगा जब भी आप कोई फाइल सेलेक्ट करता है तो आपको एंड्रॉइड की तरफ से एक सेलेक्ट करने का UI देखने को मिलता है, वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, जो कि एंड्रॉइड क्यू का है। और यहाँ पर ही आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, गैलरी से सेलेक्ट करना, फाइल मैनेजर से, या फिर जो भी आपके पॉसिबल एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको शो कर देगा। पहले आपको ये यहाँ दिखाता तो यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ भी दिखाएगा, तो इस तरह से आपको नए फीचर देखने को मिलता है इसमें भी। नेक्स्ट चेंज जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, अगर आप कोई कॉल को कट करते थे तो आपको वाइब्रेशन और एक पीप की साउंड सुनाई देती थी, लेकिन इस बार जो साउंड है वो चेंज कर दी गई है, वो कुछ इस प्रकार से की गई है और कुछ इस तरह की साउंड आपको देखने को मिलेगी। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको बता देता हूँ, अगर आप सिस्टम एप्स अपडेटर में जाकर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सभी को अपडेट कर लेंगे, तो उसके बाद अगर आप डार्क मोड पर स्विच करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो भी डार्क मोड पर चला जाएगा। पहले आपका सिक्योरिटी ऐप जो था वो डार्क मोड पर नहीं जाता था। और इसमें आपको एक चीज़ और नई देखने को मिलेगी इसे अपडेट करने के बाद सिक्योरिटी को, यहाँ पर आपको अगर कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो आपको बैकग्राउंड में जो ब्लर दिखाता है, पहले आपको सॉलिड कलर दिखाता था, अब आपको बैकग्राउंड जो वो ब्लर दिखाएगा, जो भी आपकी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है उसको ब्लर करके दिखा देगा। और यहाँ पर आपको इसका लॉन्चर भी अगर आप अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर का भी ऑफिशियली सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी आपको कि बैकग्राउंड कैसे करना है, आइकन साइज वगैरह भी चेंज करने का आपको देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और आपको एक बग और दिखाता हूँ, अगर आपके हॉटस्पॉट से कोई स्मार्टफोन या फिर जो भी डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पर जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड डिवाइसेस में 9 डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। ये बग है, इसमें दिखाई नहीं रहा है कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, उसका नेम वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि 2 डिवाइस कनेक्टेड है अभी, और यहाँ पर अभी भी ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो फिलहाल यही फीचर्स थे, और इसके अलावा जो भी फीचर्स होंगे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं जो भी इसके अलग फीचर्स होंगे। अगर आपको कोई अलग फीचर मिलता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। कैसे अपडेट करना है वो आपको प्रोसेस उसमें वहीं देखने को मिल जाएगी। इसका OTA और फुल रिकवरी रोम जो है वो सेम है, इसका OTA का कोई चक्कर नहीं है, फुल आपको फ्लैश करनी पड़ेगी 1.9 GB की, लगभग आपको 2 GB की फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उसकी और भी वीडियोस आने वाली है, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।